यदि वो ले करके आते हैं और अपने घर में गीता है, रामायण है, भागवत है, वेद है, शास्त्र है, पुराण है, अपने घर में रखते हैं, तो आप देखेंगे कि उनके घर में यदि क्लेश चल रहा है वो शांति आ जाएगी। त्रिपाठी जी वो कहेंगे कि यार इस वर्ष मेरे यहाँ घर में ये चीज़ें ले आएंगे, ये क्योंकि ये शास्त्र वर्णित है, ये कोई मैं नहीं कह रहा, ये शास्त्रों में लिखी चीज़ें हैं, यदि इनके अनुसार वो करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत चकाचक हो जाएगा उनके घर में, सब आनंद होगा। तो 12 राशियाँ हो गई जी, 12 राशियों तो ये आचार्य जी ने 12 राशियों को देखिए पूरा विस्तार से बता दिया कि धनतेरस वाले दिन आप क्या ले सकते हैं और कौन किस राशि का स्वामी है, किसके लिए कौन सी धातु फलदाई है, क्या करें और क्या ना करें, इस पर हम ज़रूर बात करेंगे आचार्य जी से। आचार्य जी कुछ ऐसी ये 5 दिन जैसा कि आपने एक तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई कि कर्जा न लें न दें, ऐसा हमारे पूर्वज पूरा इसका विधान मानते चले आए हैं। अभी इस वक्त में चूंकि जिस तरह के शहरी जीवन लोगों का है, बहुत सारी ऐसी बातें जो लोगों को नहीं पता और बहुत सारे ऐसे काम है जो नहीं पता और अनजाने में वो कर देते हैं जो बहुत नुकसानदायक हो सकती है इन 5 दिनों में, वो क्या क्या बातें आप बताना चाहें। देखो एक तो पहली बात ये करना चाहिए कि सबसे पहले जितने भी पर्व त्यौहार आते हैं, सबसे पहले घर में जितने बुजुर्ग लोग हैं, ये खास करके सब राशि वाले ध्यान दें, यदि अपने घर के श्रेष्ठ लोग जितने हैं, माता वृद्ध हैं, दादा हैं, पिता हैं, बड़े जितने लोग हैं, उनको सम्मान के साथ रखें अपने घर में। यदि उनको सम्मान के साथ अपने घर में रखेंगे और सब परिवार मिल करके इस त्योहारों को, इन पर्वों को मनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके घर में समृद्धि का वास हो जाएगा। बाबा तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है जी क्या, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, है ना, इसका अर्थ भी बता दीजिए। जहाँ सुमति यानी कि जिस परिवार में सुमति है, जहाँ सुमति है वही संपत्ति है, और जहाँ संपत्ति है वही सुख है, जहाँ संपत्ति है वही धर्म है, जहाँ संपत्ति है वही दान है। भाई दान तो आपके पास धन होगा तभी करेंगे, और धन आएगा कैसे, इसीलिए पुरुषार्थ से आएगा। तो पुरुषार्थ भी चाहिए, इसीलिए वेद कहता है धर्म और रक्षित रक्षिता, आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। भाई गाड़ी है आपके पास और उसमें तेल नहीं है तो भी नहीं चलेगी, और गाड़ी है और चलाने वाला तेल भी फूल है नहीं है तो भी गाड़ी नहीं चलेगी। तो इसलिए धर्म और रक्षित रक्षिता, जब आप धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म आपकी रक्षा करता है। और इसलिए कहा गया मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। और खास करके ये दिवाली जो पर्व है त्रिपाठी जी, इस पर्व में सबसे पहले पितरों की पूजा से तो शुरू होता है दिवाली पर्व। उसकी क्या विधि, पितरों की पूजा की क्या विधि रही? अब आप मान लीजिए श्राद्धों में जिनके माता पिता नहीं है, नहीं कर पाए श्राद्ध, नहीं कर पाए, उनको उस दिन चाहिए 1 तारीख को, उदया तिथि में भी अमावस्या है, सबसे पहले प्रातः काल गंगा स्नान करें। ये 31 तारीख को करना है, 1 तारीख को। अच्छा, 1 तारीख को, 1 तारीख को गंगा स्नान करना चाहिए प्रातः काल जी। और यदि आप गंगा जी नहीं जा सकते, यमुना जी नहीं जा सकते, नर्मदा स्नान नहीं कर सकते तो आप क्या करें, गंगा जल रखा है। हाँ, तो घर में गंगा जल रखा है उसको डाल करके, गंगा जल भी नहीं है तो आप कहेंगे गंगा स्नान का फल कैसे मिले, लिखा है गंगा तो दर्शनार्थ मुक्ते, गंगा का केवल दर्शन करने से जीव मुक्त हो जाता है, तो आप गंगा जल भी नहीं है आप कहेंगे कैसे करें, आप हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे 5 बार बोल करके, और प्रातःकाल मैं बताऊं त्रिपाठी जी, इस समय तो वैसे ही बड़ा पावन महीना है, इसलिए शास्त्र में कहा गया कि कार्तिक का वो महीना है कि प्रातःकाल उठना चाहिए। प्रातःकाल उठने का कई अर्थ में देखेंगे आप, प्रातःकाल उठने से आपके जो शरीर में जब ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो आपको आबोहवा बहुत शुद्ध मिलेगी और आप स्वस्थ रहेंगे पूरे वर्ष तक। प्रातःकाल स्नान करने से आपके शरीर से रोगों का नाश होता है, आप जानते हैं एक एक छिद्र से ये श्वास लेते हैं, ये तो वैज्ञानिक है और शास्त्रवाद तो है ही है। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं और गंगा जल नहीं है तो हर हर गंगे हर हर गंगे गंगा जल बोल करके स्नान करिए। उसके बाद में अपने पितरों के लिए कुछ नहीं कर सकते तो मंत्र है ओम आत्म रूपाय विद्महे पितृ रूपाय धीमहि तन्नो पित्रः प्रचोदयात्, ये पौराणिक मंत्र है। यह भी नहीं पढ़ सकते तो कल आप इतना कह सकते ओम स्वधा स्वाहा, ओम स्वधा स्वाहा, ऐसे करके कम से कम 27 आहुति कंडा ले लें, ओपल जिसको बोलते हैं ओपला वो ले लीजिए गाय का, या किसी का भी मिल जाए तो पवित्र माना गया है, नहीं आम की लकड़ी ले लीजिए, थोड़ा सा आप घर में तिल ले लीजिए, जौ ले लीजिए, ठीक है ना, देसी घी ले लीजिए, पंचमेवा ले लीजिए, धूप की लकड़ी ले लीजिए, सफ़ेद तिल ले लीजिए, ज़्यादा सामग्री की ज़रूरत भी नहीं, इन सबको आपस में मिला लीजिए घी डाल करके, और आप गायत्री मंत्र से आहुति कर दीजिए। कोई मंत्र नहीं आता है या मैंने जो मंत्र बताया है ओम स्वधा स्वाहा,
केवल यदि आप 3 बार भी अमावस्या के दिन अपने पितरों के लिए बोल देते हैं तो आपके पितर प्रसन्न हो जाएंगे। जब हम घर लेते हैं, संतान आती है, हमारे पितरों की बड़ी आकांक्षा होती है कि हमारे कुल में भी लोग हैं, हमारे लिए दीप जलाएंगे, हमारे लिए गंगा स्नान करेंगे, हमारे लिए करेंगे। तो लिखा है यही प्रश्न अर्जुन ने भगवान कृष्ण को कहा था कि कहा महाराज सब कहते हैं हम सर्वभूतेषु सब कुछ मैं ही हूँ, तो ये पितर कहाँ से आ गए? सही बात है ना, ये पितर कहाँ से आए जब सब कुछ आप ही है? तो भगवान ने कहा कि हे अर्जुन अहम पितृभ्यो, जब कोई अपने पितृ के स्वरूप को मान करके पूजा करता है तो मैं उसके पितृ का स्वरूप धारण कर लेता हूँ। क्या करता हूँ? पितृ का स्वरूप ही धारण कर लेता, धारण कर लेता हूँ स्वयं, नारायण स्वयं, और उसके द्वारा दिए जाने वाला हव भी कहते हैं जो देवताओं के लिए किया जाता है, और कब भी कहते हैं जो पितरों के लिए किया गया है ना। और इस हाथ से भी त्रिपाठी जी आप जानते होंगे, बहुत सारा विधान है, ना जानते हो तो कहिए, आपके आदेश हो तो ये करें। देखिए आप सीधे हाथ से देते हैं, देवताओं के लिए होता है, यदि आप सीधे हाथ से देते हैं, अर्घ ऐसे सीधे हाथ से दिया जाता है, वो देवताओं को मिला, इसलिए आप इस पर प्रकाश डालना चाहते हो, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है और जिससे लाभ से वो वंचित रह रहे हैं। सीधे हाथ से आप देंगे देवताओं के लिए, आप हाथ के इस कर से देंगे, ये वाला भाग जो ये ऋषियों के लिए है, जब ऋषि श्राद्ध किया जाता है, ऋषियों के लिए तर्पण किया जाता है, तो इस तरफ से करना चाहिए। यदि आप पितरों के लिए तर्पण करते हैं तो ऐसे करना चाहिए, अंगूठे और इसके बीच से जल जाना चाहिए, ठीक है ना। हालांकि यज्ञोपवीत्र चारों वर्णों के लिए है, कुछ लोगों को नहीं पता होगी, नहीं जानकारी, लेकिन ब्राह्मण ऐसा नहीं है, कुछ लोग कहते हैं ब्राह्मण मनुवादी कभी रहा ही नहीं, और ब्राह्मण ने तो चारों वर्णों के लिए यज्ञोपवीत है, ब्राह्मण के लिए, लेकिन उसमें महत्व है सूत्र कितना होना चाहिए, ब्राह्मण के लिए कितने सूत्र का, क्षत्रिय के लिए, फिर वैश्य के लिए, फिर हमारे चौथे भाई के लिए, है ना। तो वो करके और अंगूठे में फंसा करके यदि आप पितरों को देते हैं, कुछ ना निकाले, केवल काला तिल डाल लें, थोड़े से अक्षत डाल लें, चावल डाल लें, और उनका नाम लेकर के ओम स्वधा स्वाहा, ओम स्वधा स्वाहा, ओम स्वधा स्वाहा लेते हैं। और एक मंत्र और है, मैं आपको बताऊं त्रिपाठी जी, अमूमन लोग जानते हैं लेकिन वो जानते नहीं, एक मंत्र है, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालनी दुर्गा क्षमा शिवाधात्री स्वाहा स्वधा नमो स्तुते। अब इस मंत्र को जब आप पढ़ते तो 11 देवियों की पूजा होती है, इसमें 11 देवियों की पूजा होती है जी, हाँ, और स्वाहा और स्वधा पितरों का भी आ गया जी, तो आप ईश्वर के लिए और स्वधा पितरों के लिए, पितरों के लिए हो गया जी, है ना। ये लेकिन पंडित जी जो ऐसा बताते हैं कि पितृ दोष जैसा एक कुछ शब्द होता है, तो पितृ दोष क्या इससे मिट जाएगा? क्योंकि पितरों का दोष कहते हैं कि वो परिवार पे बहुत नेगेटिविटी लेकर आता है। मैं आपको आज बताऊं आजकल चर्चा क्या है, मैं ज्योतिषियों से हाथ जोड़कर क्षमा मांगना चाहता हूँ और क्षमा के साथ कह रहा हूँ, आजकल हर आदमी पितृदोष, अरे भाई पितृदोष है क्या,